हेलो, नमस्कार सभी को। आज बीएससी पार्ट थर्ड के अंदर अपना न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जो टॉपिक चल रहा था, लास्ट वीडियो के अंदर अपने किया था इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट, विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण, और वहीं पे अपन ने मोनोपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, ये सारी बातें अपन ने की थी, ठीक है ना। तो ये देखो, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर नाभिक के चतुर्ध्रुव आघूर्ण का क्या महत्व है वो अपन यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर अपने पास में दो एक क्वेश्चन बनते हैं, छोटे क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो एक न्यूमेरिकल बनता है कि आपको कुछ दे दिया जाएगा और ये पूछेगा कि इसका आप न्यूक्लियर क्वाड्रपोल मोमेंट फाइंड आउट करो, नाभिक के चतुर्ध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। अगर ये काम अगर आप करते हो तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला जो लास्ट में फाइंड आउट किया था, कैपिटल क्यू इक्वल टू कुछ लिखा था, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद में एक ये है कि चतुर्ध्रुव आघूर्ण यानी क्यू की वैल्यू देखकर नाभिक की साइज के बारे में आप क्या आइडिया लगाते हो वो आपको इससे पता चलता है, ठीक बात है ना। तो लास्ट में देखो क्या लिखा था उसके मैं बात करता हूँ। अगर शुरुआत में एक आया था मोनोपोल मोमेंट, मोनोपोल मोमेंट, और उसको शायद मैंने लिखा था रो डीवी। अगर आप इंटीग्रेशन शुरुआत में काम में लेते हो तो ऐसे कुछ लिखा होगा, और इंटीग्रेशन मैंने नहीं लगाया था, आप लगाओ तो ऐसे लिखोगे, और ये आया था आपका पी नोट, क्या था पी नोट आया था। ऐसे फिर लिखा था अपने डाइपोल मोमेंट, डाइपोल द्विध्रुव आघूर्ण मोमेंट, और इसके लिए अपना फॉर्मूला आया था रो डीवी तो था ही, और इसके साथ में था आर कोस थीटा और था, आर कोस थीटा और था, और फिर इसको लिखा था या तो अपन ने पी वन लिखा था, या फिर कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो डी जेड ऐसे करके कुछ लिखा होगा, फिर लास्ट में था क्वाड्रापोल मोमेंट, क्वाड्रापोल मोमेंट। और उसके लिए दो टाइप के फॉर्मूले थे, अपने जो चला था वो ये था रो डीवी तो था ही था, रो डीवी, और फिर लिखा था थ्री चला सर आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर, हो सकता है आर को बाहर निकाल लिया हो, और इसी को लिखा था क्यों भी लिखा था, शुरुआत में लिखा था पी टू, क्या लिखा था पी टू लिखा था। फिर देखो इन्हीं से अपने जेड कंपोनेंट आए थे, जेड कंपोनेंट, और जेड कंपोनेंट की बात आती है तो डायपोल मोमेंट के लिए डी जेड इक्वल टू वहां से लिखा था जो पी वन है उसी को लिख दिया था रो डी वी, तो अपने पास क्या है आवेश है तो क्यों हो जाएगा, ठीक है ना, और ये आपका क्या हो जाएगा जेड, तो ये आ गया आपका रो डी वी, और ये लिखा आर कोस थीटा, तो ये आ जाएगा आपका क्यों जेड, ठीक बात है ना। फिर बाद में यहाँ से आपके पास में क्वाड्रपोल मोमेंट का जो जेड कंपोनेंट है वो क्या आ जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन लिखो तो इंटीग्रेशन लिखो रो डी वी, रो डी वी, अच्छा, और ये आ गया थ्री आर स्क्वायर यानी थ्री जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आपका आया था, ठीक बात है ना। ये था अपना, अब बात करते हैं न्यूक्लियस की बात, ये तो पीछे की बात हुई। न्यूक्लियस के अंदर या फिर नाभिक के चतुर्ध्रुव आघूर्ण, नाभिक के चतुर्ध्रुव आघूर्ण, मेरे हिसाब से सबको पता है कि नाभिक के अंदर न्यूक्लियन होते हैं, न्यूक्लियन के अंदर प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, यानी आवेश सब वो किस पर होता है, केवल प्रोटॉन पर होता है, ठीक है ना। तो अपन ने जो क्यों निकाला था, क्यों क्या लिखा था, इंटीग्रल रो डी वी, चलो एक मिनट, रो डी वी, और ये आ गया था आपका थ्री जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आया था। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली और है, कई बार इसके साथ एक बटा दो भी आ जाता है, और क्यों आता है ये उस फॉर्मूले के अंदर पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया आपको, एक बटा दो कई बार इसके साथ ले लेते हैं, कई बार नहीं लेते हैं, मैं एक बार नहीं लेके कर रहा हूँ, कई बार लेना होगा तो अपन बाद में बात कर लेंगे। इसी को मैं ऐसे ले सकता हूँ, ये आपका क्या है क्यों, तो ये आ गया थ्री जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जब न्यूक्लियस की बात होगी, न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन, पांच प्रोटॉन, यानी ये क्या है डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, तो आपको जैसे मान लो समाकलन की जगह पर आप एक काम में ले, समेशन भी काम में ले सकते हो,
क्योंकि आपको पता होता है कि 5 प्रोटॉन 10 प्रोटॉन इस प्रकार से, तो उनका सबका क्या कर देंगे, चतुर्ध्रुव आघूर्ण निकालेंगे प्रत्येक प्रोटोन का और सबका क्या कर देंगे, एल्जेब्रिक सम कर देंगे। तो देखो क्या लिखूँगा, क्यू इक्वल टू आपको लिखा जा सकता है, ये तो लिखा समेसन क्यू की जगह लिखा क्यू आई, आई वा प्रोटोन ठीक है, और फिर लिखा 3 ZI - RI का स्क्वायर। आई की वैल्यू आपकी 1 से लेकर n तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। अब या तो ये आप याद रखोगे या फिर क्यों की जगह पर क्या याद रखोगे, क्यों इक्वल टू 1/2 और इसके साथ में आ जाएगा और ये सेम क्वांटिटीज आएंगी। मुख्य बात है कि आपने ये याद किया या नहीं किया, अगर ये याद करते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अब देखो बात आती है कि क्यों की वैल्यू से, इस कैपिटल क्यों की वैल्यू से, क्वाड्रपल मोमेंट की वैल्यू से न्यूक्लियस की साइज का पता कैसे चलता है। कई बार क्या होता है कि आपको क्यों आपको 0 प्राप्त होता है, चलो ऐसे लिखता हूं। देखो नंबर फर्स्ट में आपको क्यों 0 प्राप्त हो गया, इससे आपको यह कैसे पता चलेगा कि न्यूक्लियस है कैसा। तो देखो मैंने एक न्यूक्लियस ये बना लिया न्यूक्लियस, फिर बाद में इसका जेड कंपोनेंट ये हो जाएगा, ठीक है ना, और आर आपका इधर कहीं भी हो सकता है आर, तो ये तो आपका लिखा जेड कंपोनेंट, और देखो आर आपने लिखा या आर लिखा, समझाएगी बात सबके। अगर ये स्पेरिकल है, स्पेरिकल है, तो देखो आपके क्यों के अंदर यह था 1/2, चलो नहीं लेते हैं, क्यू आई और 3 ZI का स्क्वायर माइनस RI का स्क्वायर, ऐसे करके कुछ आया था। तो कोई भी पॉइंट ले लिया जाए, उन सभी पॉइंटों के लिए 3 ZI स्क्वायर जो है वो बराबर हो जाएगा RI स्क्वायर के, क्योंकि RI स्क्वायर इक्वल टू क्या है, XI स्क्वायर प्लस YI स्क्वायर प्लस ZI स्क्वायर, क्योंकि X, Y और Z तीनों बराबर हैं, तो ये भी 3 और ये भी 3 दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, और आपका Q का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है जिन न्यूक्लियस के लिए, जो भी न्यूक्लियस है उनके लिए अगर Q का मान 0 प्राप्त होता है, तो आप कह सकते हो कि वो न्यूक्लियस वो स्फेरिकल सिमेट्रिक है, गोलीय सममित है। मैंने क्या बताया है, स्फेरिकल सिमेट्रिक है। चलो इसके बाद में नंबर 2 बात करते हैं। एक आता है प्रोलेट दीर्घाक्ष, एक क्या आता है प्रोलेट आता है। तो प्रोलेट के लिए आपका नाभिक का साइज यूं है, आप खुद बता दोगे, यह साइज आपकी जेड है और यह आपकी साइज कोई भी ये x y मान लिया आपने। अब आप गौर करोगे, जब आप 3 ZI² और एक लिखा R², इनका जो वैल्यू है, जैसे मान लो कोई भी वैल्यू है R² ये लिखेंगे अपन, x² प्लस y² प्लस z², चलो जेड तो दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए एक एक जेड तो, या इसको ऐसे समझना क्यों फालतू में। आप गौर करोगे अगर तीनों बराबर होते तो 3 ZI² और ये कैंसिल हो जाता, क्यों का मान क्या प्राप्त हो जाता, 0 प्राप्त हो जाता। लेकिन होता क्या है, इस साइज के लिए जेड का मान तो अधिकतम है, एक्स और वाई का मान क्या है, कम है, तो आपका ये 3 ZI² तो ज़्यादा हो जाएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और क्यों आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 प्राप्त हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ रखना, क्यों आपका ग्रेटर देन 0 प्राप्त हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर किसी भी न्यूक्लियस के लिए क्यों ग्रेटर देन 0 हो तो उसकी जो सिमेट्री है वो प्रोलेट होती है, यानी वो जेड एक्स के अकॉर्डिंग तनाव होता है, यूं तनाव होता है, स्ट्रेच्ड होता है, ठीक है ना। सेम ऐसे ही अगर ओबलेट है, लघुवाक्स ओबलेट, ओबलेट के लिए 3 ZI² है वो लेस देन हो जाएगा किससे, R² से, ये साइज इस प्रकार से बनेगी इसकी, ये जेड है तो ये ज़्यादा हो जाएगा और जेड कम हो जाएगा, तो ये आपका क्यों आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, नेगेटिव प्राप्त हो जाएगा। क्यों नेगेटिव प्राप्त होने का मतलब है कि जो न्यूक्लियस की जो साइज है, न्यूक्लियस का जो सिमेट्री है वो ओबलेट है, यानी जेड एक्स के परपेंडिकुलर स्ट्रेच्ड है वो, ठीक बात ना। फिर बाद में मैंने कल भी मैं बात कर रहा था क्यों का, नॉर्मली क्यों के अंदर ई जरूर आता है, क्यों के अंदर ई जरूर आता है, तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट की यूनिट लिखते टाइम देखो होना तो क्या चाहिए, क्यों इक्वल टू ये होना चाहिए ई 3 ZI - R², ये यूनिट होनी चाहिए, कूलाम इंटू दूरी का स्क्वायर यानी क्षेत्रफल का है, लेकिन ई हमेशा आता तो ई को इधर कर देते हैं, तो इसकी यूनिट हमेशा यही काम में लेते हैं, मीटर स्क्वायर काम में लेते हैं, ठीक बात ना। अब चूँकि मीटर स्क्वायर में भी ये बहुत कम आता है क्यों का मान, तो होता क्या है देखो, क्यों का मान जो है वो
एक यूनिट काम में लेते हैं बार्न, क्या काम में लेते हैं बार्न, इसका क्वाड्रुपल मोमेंट की यूनिट लिखने के लिए बार्न काम में लेते हैं, और एक बार्न जो है वो बराबर होता है 10^-28 मीटर स्क्वायर, 10^-28 मीटर स्क्वायर। चलिए इसके बाद में देखो इसका फिजिकल मीनिंग की जब बात आती है तो जिन जो भी न्यूक्लियस हैं उनके लिए जे का मान ग्रेटर देन, देखो जे का जो मान है वो ग्रेटर देन 1 होता है तो क्यों कभी भी 0 प्राप्त नहीं होता है, यानी स्पेक्ट्रल सिमेट्रिक वो नहीं होते हैं, ठीक बात ना। एक आता है उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी एप्सिलॉन से, ठीक बात ना। एप्सिलॉन की जब बात करता हूँ तो देखो प्रोलेट के लिए एप्सिलॉन आपका पॉजिटिव प्राप्त होता है, ओब्लेट के लिए आपका क्या प्राप्त होता है नेगेटिव प्राप्त होता है, यानी अगर न्यूक्लियर न्यूक्लियस का जो साइज है वो प्रोलेट टाइप का है, दीर्घाक्ष टाइप का है, तो एप्सिलॉन उत्केंद्रता है वो आपकी पॉजिटिव प्राप्त होती है, ये डायरेक्ट आपको याद रखना था। फिर बाद में अपन एक एग्जाम्पल कर लेते हैं परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो नॉर्मली आप क्यों का क्यों कैपिटल क्यों जो है वो आपको फाइंड आउट याद करना होता है, ठीक बात है, गिवन हो तो बहुत अच्छी बात है। तो पहला जो क्वेश्चन आपको दे दिया, एक्स इक्वल टू प्लस आर पर कोई प्रोटोन है, कोई क्या है प्रोटोन है हो तो आप क्यों निकालना है, क्यों का मतलब आप समझते हो। दूसरा सेम क्वेश्चन आपको ये इसी के अंदर कर देता हूं कि x इक्वल टू प्लस माइनस आर पर दो प्रोटोन है, दो क्या हो प्रोटोन हो, तो शुरुआत करता हूं आंसर किस प्रकार से, एक प्रोटोन की बात कर लेता हूं तो q इक्वल टू क्या होता है अपना 1/2 और ये लिखा क्यू आई और 3z² - r² i लिखो, आई लिख दो, ये था। जब आपका प्रोटोन x इक्वल टू आर पर है, x इक्वल टू प्लस आर पर है तो y का मान 0 और z का मान भी क्या होगा आपका 0 होगा। तो ये वैल्यू पुट करता हूँ, एक प्रोटोन है तो ये i लगाने का कोई मतलब नहीं, 1/2 इस क्यू आई की जगह पे क्या लिखूंगा प्रोटोन पर आवेश e, क्यों करो तो क्यों कर दो 3z² = 0 वहाँ लिखा है। फिर माइनस इस r के अंदर, इस r के अंदर देखो आर आई स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर, यानी एक्स आई है तो ये लिखा जाएगा आर स्क्वायर। मेरे हिसाब से बात समझ आई होगी, इस r के अंदर x भी है और x की वैल्यू कितनी है आपके पास में r है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई -1/2 ई आर स्क्वायर, पहला हो गया। अब बात आती है कि दो प्रोटोन है, दो प्रोटोन तो क्यों बराबर इस प्रकार से कर लो, पहले प्रोटोन के लिए जो प्लस आर पर है तो उसके लिए ये हो जाएगा 1/2 ई और 0 - r² दूसरे प्रोटोन माइनस आर वाले के लिए 1/2 ई, ई यहाँ पर प्रोटोन का आवेश है, ई यहाँ पर क्या है प्रोटोन का आवेश है, आप क्यों करो तो क्यों कर देना। फिर बाद दोबारा बात आती है एक्स वाई, वाई और जेड दोनों 0 हैं तो यहाँ 0 हो गया माइनस, अब यहाँ पर जो एक्स की जगह पर माइनस आर रखेंगे और माइनस आर का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या प्राप्त हो जाएगा आपके पास में प्लस आर स्क्वायर, लेकिन माइनस पहले से है चलो मैं ऐसे लिखता हूँ माइनस माइनस आर का होल स्क्वायर, ये लिखा, ये दोनों सेम हैं तो आपके पास में ये प्राप्त हो जाएगा 2 - -1/2 ई आर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक बात ना। अब देखो और आगे चलते हैं थोड़ा सा, एक इसी को आगे बढ़ाता हूँ, आपके पास में 6 प्रोटोन हैं, इसी न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकली क्वाड्रुपल मोमेंट का कोई खास न्यूमेरिकल नहीं है, गलत नहीं होना चाहिए। एग्जांपल मैंने किया, आप क्या कर रहे हो 6 प्रोटोन हैं, प्रोटोन ले लो कुछ और ले लो, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोन तो उसी की बात कर रहे हैं, 6 प्रोटोन, दो प्रोटोन तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आर पर हैं, फिर बाद में दो प्रोटोन वाई इक्वल टू प्लस माइनस आर पर हैं और दो प्रोटोन जेड इक्वल टू प्लस माइनस आर पर हैं। चलो करवाओ, एक्स वालों की बात कर ली, एक्स वालों के लिए अगर मैं क्यू वन की बात करूं तो ये मैंने थोड़ी देर पहले निकाला है -1/2 ई आर स्क्वायर, ये निकाला है, ठीक है। सेम ऐसे ही ये करने की कोशिश करना, ये भी आपका क्यू टू इक्वल टू भी कितना आ जाएगा 2 तो बाहर -1/2 ई आर स्क्वायर, मैं इसको निकाल के बताता हूँ जेड इक्वल टू प्लस माइनस आर के लिए, आपका फॉर्मूला जो है वो लिखा मैंने 1/2 समेसन
क्यू आई और थ्री जेड आई स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर। थोड़ा इधर लिखता हूँ, जेड अक्ष पर क्या होता है, अक्ष और वाई दोनों क्या होते हैं, जीरो होते हैं। आर आई स्क्वायर के अंदर अपने पास क्या है, एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर, ये दोनों जीरो, तो इसकी जगह बचेगा केवल जेड आई स्क्वायर, यानी ये चेंज हो जाएगा आपका क्यू थ्री इक्वल टू एक बटा दो समेसन क्यू आई थ्री जेड आई स्क्वायर, थ्री जेड आई स्क्वायर और आर आई स्क्वायर की जगह क्या आएगा, जेड आई स्क्वायर। समझ आएगी बात मेरी, इसको इनको कैलकुलेट करेंगे तो एक बटा दो समेसन क्यू आई स्क्वायर नहीं है, ये आ जाएगा टू जेड आई स्क्वायर, टू से टू कैंसिल है तो समेसन क्यू आई जेड आई स्क्वायर। आपके पास में पहले प्रोटॉन के लिए ई, ये जेड आई है, पहले प्रोटॉन के लिए ई और इसकी जगह क्या लिखूँगा आर का स्क्वायर, दूसरे प्रोटॉन के लिए आवेश ई और दूरी कितनी है माइनस आर का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया टू ई आर स्क्वायर। तो टोटल क्वाड्रेपो मोमेंट की अगर मैं बात करूँ तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री। क्यू वन आपका ये है तो माइनस ई आर स्क्वायर, माइनस ई आर स्क्वायर दूसरा है और तीसरा है टू ई आर स्क्वायर, ये सारे आपस में क्या हो गए आपके कैंसिल हो गए और क्यू की वैल्यू जीरो प्राप्त हो गई। यानी ये जो न्यूक्लियन है ये किस प्रकार की सिमेट्रिक हैं, स्फेरिकल सिमेट्रिक हैं। धन्यवाद, अगले वीडियो में अपन बात करेंगे पेरिटी और न्यूक्लियर सेल मॉडल। न्यूक्लियर सेल मॉडल है आपके एग्जाम में वैसे नहीं पूछा जाता, इसमें पूछा जाता है कि जे की वैल्यू फाइंड आउट करो, जे यानी नाभिक के कोणीय संवेग आप ज्ञात करो, तो ये अपन कल बात करते हैं। थैंक यू।